तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस हैव वेरी वेल एंड आई एम प्रेइंग फॉर यू गाइस स्टे हैप्पी एंड सेफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बिकॉज वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप सब सीरियस बैठे हो तो आप टेंशन मत लो, मैं आप सबको हंसाने के लिए एक ऐसी वीडियो आज लेके आया हूँ जिसको देखने के बाद आप सब जो सीरियस बैठे हो उसको मतलब भूल के हंसने के लिए तैयार हो जाओ। तो हाँ, जो लोग कहते हैं ना कि अपना सब कुछ थाम के बैठ जाए, सब कुछ थाम के मत बैठो, ओनली पेट थाम के बैठो, बिकॉज आज बहुत हंसने वाले हैं हम इस वीडियो को देख के, बिकॉज ये वीडियो ही ऐसी होने वाली है। आप सबको पता होगा फुकरे आई थी, उसी की मतलब आने वाली है फुकरे 3। और फुकरे 3 में आपको इस बार जो फुकरे 3 आ रही है उसमें ऐसा ऐसा फेस है, कॉमेडी फेस है कि आप लोग उस वीडियो को देखने के बाद आप खुद अपने आप को संभाल नहीं पाओगे और पेट थाम के आपको हंसना पड़ेगा। मैं पेट थाम के ही बोलूँगा, बिकॉज हंसने के टाइम पेट ही हिलता है सबसे ज़्यादा और पेट ही उसमें सबसे ज़्यादा अपना रोल निभाता है हंसने के टाइम, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पेट थाम के बैठ जाए। तो अगर आप सब सीरियस हो तो हंसने के लिए तैयार हो जाओ, अगर आप सब रो रहे हो तो भी हंसने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हंसना मस्ट है इस वीडियो पे। तो चलो पहले वीडियो को देखते हैं, देन काफी सारी बातें करते हैं इस वीडियो से रिलेटेड। तो लेट्स गो। इस साल तुम दोनों की हैट्रिक होने वाली है फेल होने की। तुम कॉलेज जाने की सोच रहे हो और मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम दोनों को बिठाऊंगा कहाँ। और अब मैं चाहूंगा कि दिलीप सिंह जी दो शब्द कहें। इस स्कूल ने हन्नी भाई और मुझे इतना कुछ दिया है कि हम 7 जन्मों तक इस स्कूल का कर्ज माफ नहीं कर पाएंगे। भले ही स्कूल के टॉयलेट में पानी नहीं होता था लेकिन पत्थर जरूर होते थे और उसी पत्थर से हन्नी भाई मेरी और मैं हन्नी भाई की रगड़ रगड़ के साफ कर लिया करते थे। याद है एक बारी तेरी छिलगी थी। भाई मुझे Just I win election, old life back, Delhi will earthquake. अगर भोली जीत गई तो दिल्ली वालों का क्या होगा? फिकर नॉट, मैंने दो आंखों वाला राजा ढूंढ लिया। अपना राजा अकल से अंधा है भाई। मैं बनूंगा ना उसकी आंखें और पंडित जी उसका दिमाग। तूने नहीं बताया कि मैं क्या हूँ चूचे का? तू उसका लेफ्ट बायां हाथ। कम से कम इलेक्शन भाई, इसमें जो फेसेस है ना, आप मैंने आपको बोला था ना कि हंसने के लिए तैयार हो जाओ, हंस हंस के पेट में दर्द होने वाला है इसलिए पेट पकड़ के बैठना। इसमें जो फेसेस है ना वो ऑलरेडी देखो, फुकरे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फनी थी, उसमें पंकज तिवारी को और ऐड कर दिया, भाई क्या कमाल होने वाला है इस मूवी में। 50 लाख रुपए खर्च होंगे। We come to deal with Fukre. But you is bully under. We now do business of independence. But we get independence in 1947. Why you so late? क्या भौंक रहे हो सारे? कब तक इसे अपने लंगोट से बांध के रखेगा? एक ना एक दिन तो चील चूजे को उड़ा के ले जाएगी। कांग्रेस सरदार जी, आप फिर से चाचा बन गए। आपके घर गॉड का नया गिफ्ट पैदा हुआ है। सपने और देजा चूका डंडा मुश्किल से हजम हुआ था, अब ये मतलब इस चूचे का मूत मूत नहीं बारूद है। भाई एक बार लाली के साथ भी करें प्लीज। Excuse me, madam. May I go toilet? Sure, sir. Two number भी? Yes, sir. If you want to. Ice cube too. नहीं मतलब उड़ते हवाई जहाज से नीचे वालों पे? No, sir. It's not like that. Flying craft में body waste को ice cubes में convert कर दिया जाता है. बर्फ के गोले? भाई. तो सबसे पहले सांस ले लूँ यार। देखो मैंने आप सबको पहले वीडियो में भी बोला है कि मैं बहुत ज़्यादा हंसता हूँ ना तो मेरा ये बैक पेन होने लग जाता है, तो आज फिर से और पेन होने लग गया। एंड मैं अपनी हंसी तो कंट्रोल नहीं कर सकता, पेन हो या चाहे कुछ भी हो मैं तो हंसूँगा भाई। तो एंड
मैं अपना पेट पकड़ के बैठा हुआ था, मैंने हंस लिया जितना हंसना था। आप सब मुझे कमेंट्स करके बताना कि आप सब ने कितना इस वीडियो को देख के एंजॉय किया। 28 सितंबर को ये रिलीज हो रही है, तो आप लोग जाके सिनेमाघरों में देख सकते हो और भी ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हो। एंड देखो, मूवी देखने का मतलब ये होता है ना कि अपने आप को रिलैक्स करना। मूवी ऐसी देखो जो आपको रिलैक्स करे, मूवी ऐसी ना देखो जो आप मूवी के चक्कर में आप प्रोपेगेंडा बन जाओ या आपको कुछ ऐसा फील हो कि यार ये नहीं देखना था। तो मूवी देखने का मतलब ऐसा है कि अपने आप को रिलैक्स करना, अपने आप को एंजॉय करना। तो मूवी हमेशा ऐसी देखनी चाहिए कि जिसको देख के आप एंजॉय कर सकते हो। इस मूवी को देखने के बाद ऐसा मुझे, मतलब ट्रेलर को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इसको देखने के बाद सिनेमाघरों में इंसान रोता हुआ जाएगा, हंसता हुआ बाहर निकलेगा, क्योंकि टोटल फनी मूवी है भाई। तो मूवी का मतलब ही यही होता है कि हर रोता हुआ बंदा देख के हंस दे, तो उसी को कहते हैं मूवी। तो ये ज़रूर आप देखने जाएँ, इंजॉय करें इस मूवी को। एंड मैंने इस ट्रेलर को बहुत इन्जॉय किया एंड इसमें टोटल अभी तक फन, मतलब फन फुकरे थी, फुकरे में तो था ही कमाल भाई, फुकरे थी ही एक अमेजिंग और एक फनी मूवी। एंड इसमें पंकज तिवारी को और ऐड किया है तो भाई कमाल होने वाला है एंड और ज़्यादा इन्जॉय होने वाला। ट्रेलर में तो बहुत, मतलब बहुत सारे सीन, मतलब टोटल सीन्स ऐसे ही हैं कि जो देख के आप इन्जॉय करो और हंसो। एंड मूवी तो पता नहीं कितनी फनी होने वाली है। तो मुझे ये ट्रेलर जो है वो बहुत अच्छा लगा एंड मैंने बहुत इन्जॉय किया इस ट्रेलर को। और मैंने सबसे पहले भी आपको बोला था, देखने से पहले वॉर्न किया था, पेट पकड़ के बैठना। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि कौन पेट पकड़ के कौन कौन बैठा हुआ था। तो मुझे ये जो ट्रेलर है वो बहुत अच्छा लगा। देखो मैंने फन वे से देखा है, मैं इसमें कुछ ऐसा नहीं ढूंढ रहा था कि बहुत क्रिएटिव और बहुत कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। मैंने मतलब जस्ट फन के लिए ट्रेलर देखना सोचा था और जस्ट फन के लिए देखा है। मैंने बहुत फन किया इस ट्रेलर को देख के, आप लोग भी फन करो। और हाँ, देखने के बाद आप लोगों ने कितना फन किया है मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना। एंड आप सब फनी मूवी, आप सब मुझे ये कॉमेंट्स करके बताना कि कौन कौन है जो मूवी को मूवी ही समझ के देखता है या मूवी को मूवी ही समझ के देखना चाहता है। तो किस किस को फनी मूवी या इस टाइप की मूवी अच्छी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना एंड अपना ओपिनियन भी रखना। इस मूवी में मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि मैं उस चीज़ को पॉइंट आउट करूँ या ख़राब बोलूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को जस्ट फन के लिए देखा था एंड फन के लिए ही देखने के बाद मुझे इसमें कुछ ऐसा नहीं लगा कि जिससे मैं पॉइंट आउट कर सकूँ। मुझे बहुत मज़ा आया। आप सबको कितना मज़ा आया आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताओ एंड अपना ओपिनियन भी मेरी वीडियो पे आप ज़रूर रखा करो। जैसे मैं आप सबकी वीडियो पे, मतलब कोई भी वीडियो मैं देखता हूँ उस पर अपना ओपिनियन ज़रूर देता हूँ। आप भी मेरी वीडियो देखने के बाद अपना ओपिनियन ज़रूर दिया करो ताकि मुझे भी पता लगे कि वीडियो, मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम है, मेरी साइड से क्या प्रॉब्लम हो रही है या मेरी साइड से क्या इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये सब कुछ जब मुझे पता लगेगा जब आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताओ। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप भी इंजॉय करो ताकि इंजॉय करो और शेयर करो ताकि जिसके पास आप भेज रहे हो भी इस वीडियो को इंजॉय कर सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, बाय, टेक केयर। अपना भी ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें।